मुंबई की हवा दिल्ली से भी ज्यादा हुई जहरीली, लगातार छठे दिन AQI 300 के पार। आज से यात्रियों के लिए खुले हैं मेट्रो 2A और 7 के द्वार। हर मिनट में उपलब्ध रहेगी मेट्रो सेवा। सुबह 5:25 से रात 10:50 तक चलेगी मेट्रो सेवा। आज शाम से 4 से हुई शुरू। 22 छात्रा की हत्या का हुआ खुलासा। 1.5 पहले लापता हुई थी स्वदीक्षा। मुंबई के बैंडस्टैंड में तलाशी के बाद आरोपी मिठू सिंह को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए संजय राउत। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है इस वक्त। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों और विधायकों को किया संबोधित। आगामी कार्यक्रम और चुनाव पर हुई चर्चा। दरिंदगी की हदें हुई पार। नागपुर में गैंगरेप के बाद की गई हत्या, फिर शव के साथ भी किया गया बलात्कार। कोरोना का नया वेरिएंट बेहद खतरनाक। वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए भी बुरी खबर। 38 देशों में फैला नया वेरिएंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं बोला। नासिक में सिंधे और उद्धव गुट के समर्थक आपस में भिड़े। कार्यकर्ताओं के बीच हुई बहस। पूर्व नगर सेवक के बेटे की तरफ से हवा में फायरिंग भी की गई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे पालघर में रहने वाली MBBS स्टूडेंट सदीक्षा साने की हत्या का खुलासा हुआ है। करीब 14 महीने पहले लापता हुई सदीक्षा की हत्या मुंबई के बांद्रा इलाके के बैंडस्टैंड के समुद्री किनारे पर लाइफगार्ड के तौर पर काम करने वाले मिठू सिंह ने किया है। मुंबई पुलिस ने मिठू सिंह को अरेस्ट किया है और उससे आगे की पूछताछ जारी है। सदीक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित JJ ग्रैंड मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वह नवंबर 2021 से ही लापता थी। 29 नवंबर 2021 को सदीक्षा घर से यह कहकर निकली कि वह परीक्षा देने जा रही है, फिर वो वापस लौट कर नहीं आई कभी। जब उसकी कोई खबर नहीं लगी तो बोईसर पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। परिवार वालों को उसके अपहरण का शक था। सदीक्षा की तलाश के लिए सोशल मीडिया समेत बांद्रा के बैंडस्टैंड बस स्टॉप के पास और पूरे बांद्रा इलाके में जगह जगह उसकी तस्वीरें लगाई गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक 29 नवंबर 2021 को सुबह 9:58 पर सदीक्षा विरार स्टेशन से लोकल ट्रेन में चढ़ी। वो पहले अंधेरी में उतरी, इसके बाद उसने एक दूसरी लोकल ट्रेन पकड़कर बांद्रा गई। बांद्रा के बैंडस्टैंड में जाने के लिए उसने ऑटो रिक्शा पकड़ा। मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वह दोपहर तक वहीं आसपास भटकती रही। 14 महीने बाद अब जाकर उसकी हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने आरोपी मिठू सिंह को अरेस्ट किया है। पुलिस पूछताछ में मिठू सिंह ने सदीक्षा की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि सदीक्षा की हत्या के बाद उसने शव को समुद्र में फेंक दिया। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी मिठू सिंह ने सदीक्षा की हत्या आखिर क्यों की। साथ ही पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं हत्या से पहले आरोपी ने सदीक्षा के साथ कोई और गलत काम तो नहीं किया। आरोपी मिठू सिंह ने अब इस मामले में पुलिस को यह बताया है कि उस दिन लाइफगार्ड के तौर पर उसकी ड्यूटी बांद्रा के बैंडस्टैंड के समुद्री किनारे पर थी। सदीक्षा वहां अकेली थी, वह समुद्र की तरफ बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगा कि वह आत्महत्या करने जा रही है। आरोपी मिठू सिंह का कहना है कि उसने सदीक्षा को पीछे से जाकर पकड़ा। सदीक्षा ने बताया कि उसके दिमाग में आत्महत्या करने जैसा कोई ख्याल नहीं चल रहा है। इसके बाद दोनों गप्पे लड़ाने लगे। रात 12 से सुबह 3 तक वह दोनों बैंडस्टैंड में समुद्र के किनारे बैठे रहे। वहां से कुछ सेल्फी लेने के बाद से वो वहां से निकल गए। फिलहाल इतनी जानकारी पुलिस पूछताछ में अभी सामने आई है। लेकिन आखिर उसने क्यों मारा? पालघर की एक लड़की से मिठू सिंह की क्या दुश्मनी थी? दोनों बात किए, आपस में गप्पे लड़ाए, आखिरकार मिठू सिंह ने सदीक्षा को क्यों मारा? अभी ये बड़ा सवाल है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और हमारे साथ देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार लगातार।